नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, आज है शुक्रवार 6 तारीख, इस भादो महीना की भाद्रपद का शुक्ल पक्ष की तीज, मतलब की हरिताली का तीज। जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनके लिए, जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए ये दिन बहुत अच्छा। आज के दिन माता पार्वती भगवान शिव की पूजा करने से हर मनोकामना पूरी होती है, हर इच्छा पूरी होती है। जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें मन चाहा वर प्राप्त होता है। जो सुहागिन स्त्रियां हैं उन्हें पति का प्रेम मिलता है, घर में मान सम्मान मिलता है और सदा सुहागन होने का आशीर्वाद भगवान शिव माता पार्वती के द्वारा मिलता है, अगर पूरी निष्ठा से और प्रेम से आज शंकर पार्वती की पूजा की जाए। हरितालिका तीज की शुरुआत गुरुवार के दिन, मतलब कि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से हुई और दूसरे दिन मतलब कि उदयातिथि वाला जो दिन है वो 6 तारीख है, 6 सितंबर शुक्रवार का दिन है। आज दोपहर 3:21 तक रहने वाली है हरितालिका तीज। वैसे जो पूजा का समय सबसे अच्छा जो माना जाता है वो प्रदोष काल माना जाता है, मतलब जो गोधूली का समय है उस समय माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति की तमाम इच्छाएं पूरी होती है। तो आज के दिन शिव मंदिर में जरूर जाएं, भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव को काले तिल मिला करके दूध अर्पित करें, जल अर्पित करें, बेलपत्र, सफ़ेद पुष्प, कमल के फूल, गुलाब के फूल उन्हें अर्पित करें। आज गुलाब 6 का है तो कोशिश करें 6 की संख्या में पुष्प आप उन्हें अर्पित करें। आज के दिन 6 टुकड़े मिश्री के भगवान शिव को अर्पित करें। माता पार्वती को आज श्रृंगार का तमाम प्रकार का सामान, चूड़ी, मेहंदी वगैरह आप अर्पित कर सकते हैं। आज के दिन हाथों पर मेहंदी लगाने का बड़ा महत्व है। भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करने जाने से पहले आप खुद भी बहुत अच्छे से तैयार हो, मतलब कि मेकअप करें, श्रृंगार करें, हाथों पर मेहंदी लगाएं और उसके बाद में भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करने के लिए मंदिर में जाएं। पूजा के थाली में तमाम प्रकार की पूजा की सामग्री आप लेकर के जाएं, तमाम सामग्रियों के साथ जनेऊ भी लेकर के जाएं जो आप भगवान शिव को अर्पित करें या ब्राह्मण के द्वारा उन्हें अर्पित करवाएं। जिसे मन चाहा वर नहीं मिल रहा है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही है, तो वैसे तो मैं आपको बताऊं, अर्लियर मैरिज ब्रेसलेट अगर आप धारण करते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर शादी के बढ़िया योग बन जाते हैं, सिवाय कि फिर कोई और मजबूत ग्रह बैठा हो, क्रूर ग्रह बैठा हो जो आपको परेशान कर रहा हो, अदरवाइज अर्लियर मैरिज ब्रेसलेट बहुत तो इससे भी शादी की संभावनाएं जो बन जाते हैं, संभावनाएं जल्दी बन जाती हैं। लेकिन अगर आज के दिन माता पार्वती को आप बिछिया अर्पित करें, हर तालिका तीज वाले दिन माता पार्वती को बिछिया, जैसे आप बिछिया अर्पित करते तो पहले उस पर थोड़ी सी हल्दी लगा दें, हल्दी बहुत शुभ और पवित्र है, माता लक्ष्मी का स्वरूप है, भगवान विष्णु का स्वरूप है, हर शुभ कार्य में हल्दी का उपयोग होता है। तो पार्वती माता जब आप बिछिया अर्पित करें तो उसमें थोड़ी सी हल्दी जरूर लगाएं, हल्दी लगा करके बिछिया माता पार्वती को अर्पित करें, जिससे आप जो कुंवारी कन्याएं हैं उन्हें मनचाहा वर प्राप्त होगा और जिनकी मैरिज लाइफ में ज़्यादा तकलीफ है, पति पत्नी के बीच में नहीं बन रही है, अनबन है, कोई भी थर्ड पर्सन की वजह से जिंदगी अगर तकलीफ में आ गई है, तो एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि आज के दिन भगवान शिव माता पार्वती की पूजा तो करनी ही करनी है, घर में रोज क्वार्ट्स जरूर रखें, रोज क्वार्ट्स का ब्रेसलेट पहने। अभी आप देखोगे रोज क्वार्ट्स की जो किट है उसमें सब कुछ है, अंगूठी है, पेंडेंट है, ब्रेसलेट है और सबसे अच्छी चीज़ उसके अंदर जो परी है जिसे हम एंजल कहते हैं, आप देखो ज़्यादातर वीडियोस में जो एंजल नंबर्स की बनाती है, एंजल बहुत पावरफुल होती है और रोज क्वार्ट्स की एंजल अगर आपके घर में है, आपके बेडरूम में है, अगर आपके साथ रखते हैं तो जो जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अविवाहित है उनकी मनचाही जगह शादी होती है और जो शादीशुदा है उनकी शादी, जो उनका मैरिज लाइफ है वो खुशहाल हो जाती है।
बिगड़े हुए रिश्ते भी अच्छे से बनने लग जाते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत अच्छी बहुत जरूरी बात, कि इस बार जो षड्यंत्र है, षड्यंत्र जो क्रिस्टल का बना हुआ है, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जो क्रिस्टल का ये जो षड्यंत्र है, कौड़ी से बना हुआ है, गोमती चक्र से बना हुआ है, इसमें रुद्राक्ष है, गुंजा के दाने हैं, वो तमाम चीजें हैं जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। इसको पूजा स्थान में रखने मात्र से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो इस दिवाली पर हाँ, इस षड्यंत्र को अपने पूजा स्थान में जरूर रखें। इस बार षड्यंत्र पर मैंने अभी से सेल लगा दिया है, ताकि हर घर में हर सब्सक्राइबर के पास ये षड्यंत्र पहुंच जाए। मैं आपको बता दूं कि ये षड्यंत्र सबसे पहले मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद में आप अभी इसको देखो, तमाम जगह पर लोग इसको बहुत बड़ी बड़ी ऐड करके और इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये षड्यंत्र मैंने अपने सब्सक्राइबरों को सबसे पहले पिछले साल ही प्रोवाइड कर दिया था। काफ़ी सब्सक्राइबरों ने ये तब भी मंगवा लिया था, और जो बाकी भी रह गए हैं इस दिवाली पर मंगवा लें। इसका सेल अभी से लगा दिया गया है, और माता लक्ष्मी की आसनी, माता लक्ष्मी को माता लक्ष्मी की आसनी पर ही बिठाना चाहिए। आसनी भी गोमती चक्र इत्यादि उन चीज़ों से बनी हुई है जो माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, और ओरिजिनल क्रिस्टल से बनी हुई चीज़ें हैं ये। इस पर माता लक्ष्मी की स्थापना करने से हमेशा माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहती है। तो श्रीयंत्र का जो पिरामिड है वो आप मंगवा सकते हैं। माता लक्ष्मी की आसनी इस पर भी लगा हुआ है, तो इसे भी मंगवा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और अच्छी बात यह कि हर तालिका तीज के दिन से ही ये सेल शुरू हो जाएगा, तो आप आज से लेकर के दीपावली तक कभी भी इसको मंगवा सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। जय श्री।